उज्जैन के बड़नगर तहसील में निवास करने वाले एक परिवार ने करीब 17 वर्ष पहले एक मकान खरीदा था। अब जिसने मकान बेचा था उसका बेटा अपने साथियों के साथ पहुंचा और डरा धमका कर घर का सामान तोड़ा। पुलिस कर्मी भी उसके साथ पहुंचे थे। उज्जैन बड़नगर तहसील के लोहाना गांव में निवास करने वाले एक परिवार ने अपने ही गांव में निवास करने वाले परिवार से मकान खरीदा था करीब 17 वर्ष पहले, जिसकी लिखा पड़ी अनुबंध शासकीय खरीदी बिक्री प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। बड़नगर तहसील कार्यालय में अभिभाषक और गवाहों के समक्ष 17 वर्ष से वह परिवार उस मकान में रह रहा है। अब करीब 17 वर्ष बाद जिसने मकान बेचा उसका निधन हो चुका है और उसका पुत्र पुलिस कर्मियों के साथ और अपने साथियों के साथ लोहाना गाँव में पहुँचा और जिसने मकान खरीदा है जो वर्तमान समय में रह रहा है उसको डराया धमकाया गया। इस दौरान महिला बच्चे वृद्ध घर पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी समस्या परेशानी बताई कि हमने तो मकान को खरीदा है, यह दस्तावेज हमारे पास है, आप चेक कर लीजिए। पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने एक ना सुनी और ना दस्तावेज चेक किए, घर में घुसकर सामान फेंक दिया। तोड़फोड़ की पीड़ित परिवार ने लिखित में शिकायत जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम हेमू है और मैं सिलावटी का काम करता हूँ। क्या हुआ, क्या आपके यहाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही, क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं है भाऊजी, ये मैं दोपहर मालूम पड़ा 3 बजे के मेरे घर पे मेकराम और पुलिस आए, जबरन से घुस गए, मुझे मालूम भी नहीं पड़ी और नोटिस भी नहीं दिया भाऊजी। अचानक मैं कहाँ मिलूँ और इसने घर में घुस गए, मेरे सब तोड़ फोड़ कर दिए भाऊजी, और वो जो पेटी में पैसे पड़े थे वो भी पार गायब कर दिए सब भाऊजी, मेरे सब टीवी भी फोड़ दी और पेटी भी तोड़ दी, पंखा सब अटल सामान सब अखर बखर कर दिया भाऊजी मेरा। किन्ने कर दिया? ये मेघराम और उनके 3 लड़कों ने। क्यों कर दिया सर? पुलिस लेके आ गया, पुलिस के सामने भाऊजी हम क्या बोल सकते हैं, एक आईएसएल भी लाया था भाऊजी। आपने बताया नहीं उनके साहब, हम लोग तुम्हें बताया, हाथ जोड़ के बोला कि भाऊजी पहले नोटिस में कुछ और कुछ जवाब भी नहीं मिला, जबरन से वो घुस गए। बहन बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुर्गा। बताइए क्या हुआ था घर पर, कौन लोग क्या हुआ था? नहीं था, मेरे भैया काम करने गए थे और मेरी भाभी थी, और मेरी भाभी तो बैठी थी घर में और मैं काम कर रही थी, घर में बेसन वेसन फेर रही थी और आए लोग, बातें देखा मैंने, आऊ हुई के क्यों के तुम निकलो बाहर, निकलो बाहर निकलो, जबरदस्ती घर में घुसे और हमारा टामड़ा फोड़ फाड़ करी। और मैंने बोला कि तुम्हारा ये बताओ कि आर्डर है नहीं, मैं तो आर्डर तो कागज बताओ, तो कागज हमको नहीं बताए। अच्छा, कि ज्यादा तुम करेगा तो तुम्हारे को पकड़ के जीप में लाग देंगे, अभी हाथ थाना में ले जाएंगे। किन्ने का ऐसा? पुलिस वाला ने किया। तो आपने पूछा नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों ले चले आप? तो मैंने क्या के तो हमने कुछ किया को नहीं, वरना ऑर्डर से आया, हमने कुछ किया नहीं तो तुम क्यों निकाले, हमने कि नहीं निकाला, हमारे ऑर्डर है, हम निकलो आगे थे ऑर्डर है, एक बिन सुनी हमारी, चलो निकलो 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 बाहर, तो हम निकले लिया और हम लोग रोने लगी बाहर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।